हरिओम, मेरा नाम रेखा वीरा है। मैं गांधी चेकअप सेंटर से बात करती हूँ। मेरा तो अनुभव बहुत आता है, ऐसा मेरा अनुभव बता चुकी हूँ। अब एक मेरा भाभी का और मेरा भांजी का अनुभव बताना चाहती हूँ। मेरे भाई के घर में कभी वो लोग बापू को देखा भी नहीं और उनको पता भी नहीं है, पर मैं जाके एक ऊधी रखती हूँ उनका घर पर। तो ऊधी वो लोग 10 दिन लगा के जाते हैं और भाई ने कहा, दीदी ये ऊधी जो लगाता हूँ ना, मेरा दिन अच्छा जाता है। ये बात कही मुझे नहीं, और मेरे भाभी भी बोली कि मेरे को ये ऊधी से अच्छा लगता है। अभी उन लोग को तो टाइम मिल नहीं पाता है कि मैं बोलना चाहे तो लोग वो मानो सामने बोलने का जैसा भी वो लोग है ही नहीं जान। एक दिन ऐसा हुआ, मेरा भांजी मेरी मम्मी नहीं थी तो बीमार पड़ गई, खाना भी नहीं खाती थी। भाई ने बोला तू इधर आ जा, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला। अचानक मेरा भांजी को फिट आ गया, वो गिर नीचे गिर पड़ी, उसको तुरंत केम हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो मेरे को फ़ोन आया ऐसा सा, फिर मैं बोली बापू मेरा वजह से हो गया सर। भाई ने बार बार बुलाते थे फिर भी मैं जा नहीं पाई, अभी मेरे को जाना ज़रूरी है, तो बोल के मैं केम हॉस्पिटल में गई। तो उधर उसका एक्सरे निकाले, खून टेस्ट किया, सब कुछ किया, उसमें कुछ रिपोर्ट में आता ही नहीं था, क्या है समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैं उपासना का पुस्तक जो पुराना वाला और ऊधी और बीमरूपी का सूत्र मेरे भांजी को देने लगी और खाना खिलाने लगी, उसको उसका देखभाल करने लगी। उसको बोली एक बार तो पढ़ सक, उस तो हमें एक बार देखेंगे, तो पढ़ती रही। फिर उसका बीमारी का पता ही नहीं चला, डॉक्टर भी कहा तुम्हारा फैमिली में कुछ टीबी है क्या वगैरह वगैरह, हमारे फैमिली में सर कुछ है ही नहीं, पर उसका बीमारी ही पता नहीं चल रहा था। फिर बापू को बोला बापू आप ही देखो, इसका तो इतना वीक हो गए, खाने में भी ढंग से पाती है। तो ऐसे बोलते बोलते वो ऊधी खाने लगी। एक दिन ऐसा डॉक्टर ने कहा कि इसका कुछ पता ही नहीं चला, चलते आप घर पर लेके चलो, शायद घर पर कुछ तो इसका। तो घर पर उसको लेके आए, तो मैंने बोला बापू ये लास्ट है, आप ऊधी आप देखो कुछ करते। तो ऊधी उसको पानी में डाल के दिया, 2-3 घंटे में उसने उल्टी किया। उल्टी करने के बाद उल्टी में इतना लंबा जंतु गिर गया, पेट में जो जंतु होता है ना, वो जंतु ऊपर अटक गया था उसको। उसको अजीब जैसा हो रहा था, उसको बोलने को भी मतलब मालूम नहीं पड़ता था उसका शरीर में क्या हो रहा है, इतना लंबा वो जंतु गिर गया। उसका बाद फिर हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर कहा कि इसके लिए उसको भूख भी नहीं लगता था, एक अच्छा हो गया, ये जंतु गिर गया उनके। तो मेरी भांजी बोली बुआ ये मेरे को लगता है कि कब से मेरा शरीर में था वो भारी नहीं गिर रहा था, वो मेरे ख्याल से तू कुछ ऊधी देती ना उसके वजह से वो गिरा है। ये मेरा एक अनुभव मेरा भांजी का। दूसरी बात, एक मेरी भाभी बहन का घर में गई थी, बड़ी बहन तो बाहर गाँव जा चुकी थी। तो मेरे बड़ी बहन की बहू और बेटी थे, तो उन्होंने चिकन बनाया था, और चिकन बनाया तो चिकन खाना बिना खा के रात को निकली। खाना खाते वक्त उसको एक गले में छोटा सा हड्डी फंस गई गले में, तो उसको मेरा भाभी को बहू को बताने को नहीं अच्छा लगा, सडनली उधर से दादर से पवई निकली। 1 घंटा तो उसको तकलीफ हो रहा था बस में, फिर भी वो कैसे वैसे निकली। तो घर पर आके इतना उल्टी किया वगैरह, तो वो हड्डी नहीं निकल पा रही थी। तो मेरे भांजी ने केला दिया, उसको चपाती दिया और कुछ कुछ दिया, तो वो नहीं मतलब हड्डी गिर नहीं पा रहा था और उसको चुभ रहा था बार बार। फिर रात को एक बज गया, फिर एक बजे मेरे को फ़ोन आया, बुआ जी ऐसा ऐसा मम्मी के गले में हड्डी फंस गई है, मछली का काटा रहेगा तो निकल सकते हैं, पर ये हड्डी फंस गई अचानक। तो मैंने कहा ऐसा ऐसा दे ना तू, बुआ जी सब कुछ देख के हो गया, अभी कुछ भी बाकी नहीं है, अभी डॉक्टर भी नहीं है, अभी हम क्या करेंगे, सवेरे डॉक्टर आने तो 10 बज जाएगा, इसको नींद भी नहीं आएगी, एक तो दिन भर थकी चुकी और गले में चुभ रहा है उसको। तो मैंने कहा अभी ठीक है चल, ऊधी है ना घर में, बोले हाँ एक काम कर, वो बेचारी उल्टी करके भी थक गई तो कॉफ़ी बना के उसमें ऊधी डाल के तू दे दे। तो उसने कहा ठीक है, फिर भी मेरे को इस बार ऐसा देगी नहीं देगी ऐसा, फिर भी वो देगी मेरे को पता है। फिर भी मेरा फिर मैंने क्या किया, उसने तो दे दिया, फिर मैंने बापू को इधर ही घर में ही मेरा जबान पर ऊधी डाल के ऐसा अंदर लिया और बापू को कहा बापू जी अभी डॉक्टर तो है ही नहीं, सवेरे 10 बजे तक उसको तकलीफ होगा, आप उसका कुछ तो करो ऊधी का के। तो ऐसा बोल के मैं भी सो गई और भाभी भी मतलब वो लोग भी सो गए। तो सवेरे फिर मैं थोड़ा काम भी करके 9 बजे फ़ोन की, तो भांजी बोलती है बुआ जी वो तो काम पर निकल चुकी है। अरे क्या हो गया, तो बोलती वो ऊधी देने का बाद उसको नींद भी लग गया, वो हड्डी किधर गया कुछ पता ही नहीं चला। तो मैं बोली अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है, फिर भी तो शाम को तो मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा, डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है अपने को,
कुछ अंदर से जख्म वगैरह नहीं होना चाहिए। बोली बुआ जी मैं तो शाम को लेके जाने, बोली तो आएगी 5-6 बजे तभी लेके जाऊंगी। फिर बोला शाम को डॉक्टर के पास लेके गए, थोड़ा दर्द था तो हड्डी तो लोग बोलते डॉक्टर को बोले ऐसा कैसा निकल चुका है, एक अच्छा बात है। फिर वो मेरे भाभी बताई, मेरा पता नहीं मेरे ननंद ने उंगली दिया, वो उंगली का से मेरा फ़र्क हो गया, इतना मैं परेशान हो गई थी, उल्टी करके परेशान हो गई थी और मेरा गले में इतना चुभ रहा था, बिल्कुल उसने डॉक्टर को बताया। ये एक उंगली का महिमा है, हमारा बापू उंगली का महिमा इतना अच्छा वो करते समझ नहीं पाते हैं। हरिओम श्री राम अम्बर में।